कोरोना काल से लेकर आज तक आवाम और व्यापारी महंगाई से निजात नहीं पा सके हैं। महंगाई की मार के चलते अधिकांश व्यापार ठप पड़ चुका है, जनता का जेब भी खाली हो चुका है। महोबा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां दूर दराज से आए व्यापारियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी महंगाई से जूझते हालातों को बयां कर रही है। मुख्यालय के डाक बंगला मैदान में लगाई गई हस्तशिल्प प्रदर्शनी को महंगाई की मार का सामना सीधे तौर पर करना पड़ रहा है। प्रदर्शनी में लगाई गई अधिकांश दुकानें सूनी पड़ी है और ग्राहकों की राह देखने को मजबूर है। चल रहा है, ठीक चल रहा है, अभी उस हिसाब से भीड़ वगैरह इतनी नहीं आ रही है, लेकिन चल रहा है, खर्चा पानी चल रहा है। अभी ये हो गया 6-7 दिन हो गया, अभी अच्छा अभी आए 6-7 दिन हो गया, ज्यादा तो नहीं हुआ, अभी लगभग 1 महीने तो चलेगा चलते। डाक बंगला मैदान में लगाई गई हस्तशिल्प प्रदर्शनी को तकरीबन 7 दिन गुजर चुके हैं। बावजूद इसके देर रात प्रदर्शनी में जनता तो नजर आती है, लेकिन खरीदार नहीं। बेबस व्यापारियों की माने तो कोरोना काल से लगातार आज तक महंगाई की मार अपने वजूद की गवाही दे रही है। काम धाम तो बहुत हल्का है, मौसम की मार पड़ी हुई है, फिर महंगाई की मार पड़ी हुई है। महंगाई की वजह से पब्लिक देखती है और चली जाती है। सोच के तो यही आए हैं, काम धंधा मान लो सही चलेगा, हमारा इस बार तो खर्चा भी निकालना भारी पड़ रहा है। पैसे तो काम 10-12 सालों से कर रहे हैं, कोरोना काल से तो बिल्कुल सारी पब्लिक मरी हुई है, फिर उसके बाद में अब इस बार तो बिल्कुल डाउन है। पिछले साल था डाउन, पर इतना नहीं था, इस बार कुछ ज़्यादा डाउन है। महंगाई तो बहुत असर है, महंगाई की वजह से तो पब्लिक देखती है, रेट सुन के भाग जाती है, महंगाई की वजह से तो सारी कहानी बेकार है। महंगाई का असर आवाम पर साफ नजर आ रहा है। घरेलू उपयोग में आने वाले अधिकांश खाने पीने और दिनचर्या से जुड़े सामान की बढ़ी हुई कीमतों ने जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। ऐसे में मुख्यालय में लगाई गई हस्तशिल्प प्रदर्शनी पर इसका असर साफ तौर पर नजर आना लाजमी है। व्यवसाय क्या यहाँ पे आए हुए हैं, जब से तब से कुछ नहीं है, बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है। महंगाई के चक्कर में लोग पब्लिक आती है, देखती है माल और चली जाती है, लेती भी नहीं है कुछ। बहुत समस्या खराब हो रही है, एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही है, यहाँ काम वाम सारा ऐसे ही है कुछ। हमें अच्छा लगा कि यहाँ पे बढ़िया होगी दुकानदारी, उसी हिसाब से हम आए यहाँ, लगाई आके दुकान, मगर यहाँ तो समझ लो 15 दिन हो गए बैठे हुए, अभी तक कुछ नहीं काम निकल रहा है। देख रहे हैं आप, सन्नाटा बीता हुआ है, पूरे ग्राउंड भरे में पब्लिक का दुक्का आ रही है, वही थोड़ी बहुत शाम को निकलती है पब्लिक, उसके बाद में वही 1-2 घंटे चलती है। 1-2 घंटे में कितना कमा ले होंगे, 4-4, 5-5 बंदे हैं, सबका खर्चा निकालना भारी पड़ रहा है। प्रदर्शनी के दौरान बेहद ही सस्ते दामों पर बिकने वाले सामान को देखने वाले तो आते हैं, लेकिन खरीदने की हिम्मत कोई नहीं करता। अब ऐसे बुरे दौर के आगे व्यापार किया भी जाए तो कैसे। महोबा से सागर पस्तोर की रिपोर्ट।